हाउस में कांशो रात होते वापस आता है और घर में आते ही जोर से बोलता है, मॉम डैड मैं वापस आ गया। वहाँ तांगशो का बड़ा भाई बैठा हुआ होता है, तांग लुन शुआन। वो कुछ काम कर रहा होता है और तांगशो से कहता है, आवाज मत करो, वो लोग ऑलरेडी सो गए हैं। तांगशो अपने भाई तांग लुन शुआन के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ के उसे दुलार करते हुए कहता है, इतनी देर रात तक काम कर रहे हो भैया, तुम सच में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो। तो तांग लुन शुआन कहता है, इट्स बिकॉज तुमने म्यूजिक स्टूडियो शुरू किया और ऑफिस के कामों में कभी मदद नहीं करते। फिर तांगशो उसके पास आके बैठता है और कहता है, मैं कभी कंपनी का मैनेजिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं था। फिर वो नीचे देखकर कहता है, भैया क्या तुम मुझे ब्लेम करते हो? तो तांग लुन शुआन उसकी ओर देखकर कहता है, तुम्हें कंपनी को लेकर खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं, मॉम और डैड उसे हैंडल कर सकते हैं। तांशु कहता है, भैया तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो तांगलुन शुआन कहता है, कुजिया और गुयानशेन, हम उन्हें परेशान करने का जोखिम नहीं उठा सकते। भले ही गुयानशेन न्यान न्यान का तिरस्कार करे, उन लोगों की प्रॉब्लम्स में दखलंदाजी मत करो। ये सुनके तांगशो जोर से कहता है, भैया तुम जानते हो मैं न्यान न्यान को पसंद करता हूँ, तुम्हें इतने सालों से पता है, मेरी उसके लिए ये फीलिंग्स कभी खत्म नहीं होगी। तो तांग लुन शुआन ये सुनकर कुछ बोल ही नहीं पाता और तांग शुओ की ओर देखता रह जाता है। तांग शुओ रिग्रेट जताते हुए बोल रहा होता है, अगर मैंने शुरू से ही हार्ड वर्क किया होता तो, और अगर मैं इवन कि फोर्सफुली भी होता, मैं उसे कभी भी गुयानशेन के नजदीक भी जाने नहीं देता। इस तरह से न्यान कभी दुखी नहीं होता, इवन अगर आखिर में वो मुझे एक्सेप्ट करने से मना भी करे, तो इतना मेरे लिए काफी है कि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ये सब सुनकर तांग लुन शुआन साइन करता है और तांग शू के सर पे पैट करते हुए स्माइल के साथ कहता है, तुम जो चाहते हो वो करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे पीछे है। ये तांग फैमिली में बहुत ज्यादा रेयर है कि वो ऐसे किसी से मिले जिसे वो सच में पसंद करते हो। आगे बढ़ो। फिर वो हंसते हुए कहता है, फिर भी तुम्हारा दुश्मन कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं है? फिर वो जोर से हंसता है। तांग शू ये सुनकर तांग लुन शुआन के गले लग जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है, थैंक यू ब्रदर, तुम्हारे सपोर्ट के साथ मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। वहाँ दूसरी ओर वेनियानन अपने सोशल मीडिया अकाउंट में अनाउंस करता है कि नया गाना जल्द ही आएगा, इंतजार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसने नए गाने के सारे नोट्स लिख के रखे होते हैं और अपने मन में बोलता है, क्या फिर से शुरुआत करना सही रहेगा? वेनियानन को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, वी फाइनली नया गाना रिलीज करने वाला है, मैं इंतजार करूंगा, क्या आप गाने की थीम रिवील कर सकते हैं? आपके नए गाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, आपका हर एक काम मुझे आपके दिल की और भी ज्यादा डीपली समझ करवा सकता है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं आपका नया गाना सुनने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा। वेनियानन 26 तारीख चुनता है, वो अपने मन में बोलता है, यानशिन के जन्मदिन के दिन मैं इसे रिलीज करूंगा। वो रिप्लाई करके बता देता है कि नया गाना 26 तारीख को रिलीज होगा। शेन लुआन के घर में वो अकेला बैठा हुआ होता है और अपने हाथ में लिए वो फोटो देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है, जस्ट इन केस अगर यानशिन ने ये फोटो देख ली तो वो क्या सोचेगा, मैं सच में ये जानना चाहता हूँ। वो वेनियानन और तांगशो की तस्वीर देख रहा होता है कि उसे आवाज सुनाई देती है, मैंने तुमसे कहा नहीं था मेरा इंतजार मत करना? शेन लुआन को गुयानशेन की आवाज सुन के झटका लगता है और वो तुरंत ही वो फोटो छुपा देता है। गुयानशेन उसके पास बैठकर कहता है, मैं कंपनी में रिसेंटली बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें टाइम से सोने जाना होगा। तो शेन लुआन उसका हाथ पकड़ के प्यारी सूरत बनाए हुए कहता है, नहीं तुम घर नहीं आ जाते तब तक मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ, मुझे चिंता होती है। गुयानशेन कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी। तो शेन लुआन उसके कंधे पे सर रख के कहता है, मुझे पता है, और कहता है, हाँ तुमने कहा था ना कि काफी वक्त हो गया है कि तुमने मुझे पियानो बजाते हुए सुना हो, मैं आज गया था और पियानो देखा लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया, नेक्स्ट टाइम मेरे साथ चलना और मुझे पियानो चूज करने में मदद करना, ओके? तो गुयानशेन उसे कहता है, जरूर, तुम्हारा पुराना पियानो मेरे
ये घर पे ही है, मैं कल तुम्हें उससे भिजवा दूंगा। तो शेनलुआन दूसरी ओर मुड़कर रूठ जाता है और कहता है, नहीं मैंने उसे तुम्हें दिया था, उसे वापस मत करो। तो गुयानशेन उसे मनाने लगता है और कहता है, गुस्सा मत करो। तो शेनलुआन उसकी ओर देखकर कहता है, ये ऑलमोस्ट वैसा ही है। इतना कहकर शेनलुआन गुयानशेन को बनी बनाई बातें बताने लगता है। ये कहते हुए, मैंने उसे लीचिंग स्ट्रीट पर देखा था जब मैं पियानो देखने गया था टांगशुओ के साथ। ये सुनकर गुयानशेन थोड़े आश्चर्य के साथ कहता है, लीचिंग स्ट्रीट और टांगशुओ। तो शेनलुआन दूसरी ओर देखकर कहता है, वेल शायद मैं गलत हूँ, आफ्टर ऑल वो बहुत ज्यादा दूर था। लेकिन गुयानशेन तो वेनियानन के बारे में सोचने लगता है कि मैंने उसे वार्न किया था कि वो अब पियानो नहीं बजाएगा, वो अचानक पियानो शॉप क्यों गया, और वो भी टांगशुओ के साथ। हाँ, गुयानशेन टांगशुओ के स्टूडियो के पास कार खड़ी रख के कार में बैठे बैठे निगरानी रख रहा होता है। वो रियर मिरर में देख रहा होता है कि वेनियानन टांगशुओ के स्टूडियो में जा रहा होता है। गुयानशेन अपने मन में बोलता है, वो सच में उससे मिलने आया, आखिरकार वो यहाँ कर क्या रहा है, क्या वो दोनों सच में, उसका मतलब होता है कि क्या वो दोनों सच में एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे। टांगशुओ स्माइल करते हुए वेनियानन से कहता है, शाहनान मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहा था। गुयानशेन उन दोनों को हंसते मुस्कुराते हुए बातें करता देख रहा होता है और वो बिल्कुल ही थॉटलेस होता है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो गाड़ी का एस्केलेटर जोर से दबाता है और बहुत तेजी से ड्राइव करके चला जाता है। वेनियानन गाड़ी के जाते ही पीछे मुड़कर देखता है तो टांगशुओ उसे पूछता है, क्या हुआ? तो वेनियानन कहता है, जस्ट अभी ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा था। और फिर वो टांगशुओ की ओर देखकर कहता है, शायद ये सिर्फ मेरी कल्पना होगी। तो टांगशुओ कहता है, ऑलराइट चलो अब अंदर चलते हैं। दोनों स्टूडियो में अंदर आ जाते हैं। टांगशुओ दरवाजा बंद करता है और वेनियानन अंदर जाते हुए कहता है, मैंने एक नया गाना कंपोज किया है, फिर से जरूर सुनना। तो टांगशुओ उसकी ओर प्यारी से स्माइल करता है। वेनियानन घर वापस आता है, उसके हाथ में म्यूजिक नोट होती है और वो बोल रहा होता है कि मुझे इसे फिर से रिवाइज करने की जरूरत है, तो ये यानशेन के जन्मदिन के लिए समय पर तैयार हो जाएगा। लेकिन वो कुछ देख कर चौंक जाता है और कहता है, मॉम का पियानो? वो पियानो के पास जाता है और उसे टच करते हुए बोलता है, कितना ज्यादा वक्त हो गया जब मैंने आखिरी बार इस पियानो को छुआ था। लेकिन उसे याद आता है, वो सोचता है, यानशेन अभी घर नहीं आया, क्या मैं इसे सिर्फ एक बार भी प्ले कर सकता हूँ? और फिर उसके बाद वेनियानन अपनी मॉम का पियानो प्ले करने लगता है। वो अपनी उंगलियों को बहुत ही अच्छे तरीके से पियानो कीबोर्ड पर चला रहा होता है। आफ्टर प्लेइंग पियानो वो बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस करता है। उसे अचानक से आवाज सुनाई देती है कि बहुत अच्छा बजाया। कोई अंदर आता है और कहता है, चौंक गए? वेनियानन सच में उसे देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक गया होता है। उसका शरीर कांपने लगता है और वो कहता है, यानशेन तुम कब आए थे? तो गुयानशेन उसके कंधे पे जोर से पकड़ के उसे धक्का देता है और गुस्से से चिल्ला कर कहता है, फिर से वैसे ही अनोइंग एक्सप्रेशन के साथ मुझसे बात कर रहे हो? मेरे सामने मेरी चिंता करने वाले और मुझसे प्यार करने वाले होने का ढोंग करते हो, लेकिन अपने लवर के साथ मेरी पीठ पीछे खुशी से मुस्कुराते हो। वेनियानन तो बहुत ही ज्यादा डर गया होता है, वो कुछ समझ ही नहीं पाता और कहता है, कौन लवर? लेकिन गुयानशेन और भी ज्यादा गुस्से से कहता है, क्यों? तुम्हें अपने वो प्रेमी के साथ खेलने के लिए इनफ टाइम नहीं मिला? हाँ, तुम उसके साथ ही क्यों नहीं रह जाते और यहाँ कभी वापस मत आना? क्या तुम भूल गए मैंने तुमसे पहले क्या कहा था? गुयानशेन वेनियानन को काफी कुछ कह जाता है तो वेनियानन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए नीचे देखकर बताता है कि मुझे पियानो बजाने की इजाजत नहीं होगी। गुयानशेन दूसरी ओर मुड़ता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाना जरूरी है जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगे। गुयानशेन वापस आता है, अपने हाथ में लंबर लिए यानी कि बेसबॉल का बैट लिए और कहता है, मैं आज तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। वेनियानन गुयानशेन के हाथ में लंबर देखकर उसे पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो?
गुरान सिंह कहता है, एक लवर के साथ एक डेट इतनी नफ है कि मैंने तुमसे जो कहा था उसे तुम याद भी नहीं रख पाए। मैंने तुमसे जो कहा था उसकी अब तुम्हें कोई परवाह नहीं। वेनियानन अपनी मॉम के पियानो को अपने पीछे अपने हाथों से उसे घेरे हुए रोनी आवाज में कहता है, प्लीज यांचन ऐसा मत करो, मैं इसे फिर कभी नहीं बजाऊंगा, मैं इसे फिर कभी छूऊंगा भी नहीं, प्लीज इसे डिस्ट्रॉय मत करो। लेकिन गुयानचेन वेनियानन का हाथ खींच के जोर से कहता है, गेट आउट, और वेनियानन को दूसरी ओर गिरा देता है। गुयानचेन लंबर उठाता है पियानो तोड़ने के लिए, लेकिन वेनियानन रोते हुए चिल्ला कर कहता है, ये मेरी माँ का पियानो है और यही एक आखिरी चीज है जो वो मेरे लिए छोड़ के गई थी। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। ये सुनकर गुयानचेन रुक जाता है और वेनियानन की ओर देखकर उसे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तुम कभी भूल नहीं पाओगे। वो फिर से लंबर उठाता है, वेनियानन कहता है, नहीं रुको, लेकिन गुयानचेन नहीं रुकता और भड़ंग आवाज के साथ बेसबॉल बैट पियानो पे दे मारता है और पियानो के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पियानो का एक शार्प टुकड़ा वेनियानन के चेहरे पे एक बहुत बड़ा कट दे जाता है। वेनियानन अपनी आंखों के सामने अपनी ही माँ के पियानो को, जो उसकी आखिरी निशानी था, उसे यूं टुकड़े टुकड़े होते देखता है। उसे बहुत बड़ा शौक लगता है, वो घुटनों पे बैठा हुआ होता है। गुयानचेन वो लंबर उसकी ओर फेंक कर जाने लगता है और कहता है, अगर तुमने भविष्य में फिर से पियानो बजाने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारे सामने उसे फिर से ऐसे ही तोड़ दूंगा, तुम बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग हो। वेनियानन रोता रह जाता है और गुयानचेन वहां से चला जाता है। वो रोते हुए अपने मन में बोलता है, मेरी माँ का पियानो क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। वेनियानन पियानो का एक टुकड़ा उठाता है, उसे अपने बचपन की याद आती है कि कैसे उसकी माँ उसे गले लगाए हुए उसके लिए पियानो बजाती थी। वो अपनी माँ को याद करके रो रहा होता है। वो उस टूटे हुए पियानो के टुकड़े को सीने से लगाकर बहुत ही दर्द भरी आवाज में रोते हुए कहता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। वो पूरी रात रोता रहता है। फिर सुबह हो जाती है। अंकल शो वेनियानन के रूम का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। तो अंकल शो साइन करते हैं और दरवाजा खोल के कहते हैं, मिस्टर वेन मैं अंदर आ रहा हूँ। अंकल शो उसके लिए चाय लाए हुए होते हैं। वो अंदर आके देखते हैं तो वेनियानन फेटल पोजीशन में कोई फोटो देख रहा होता है। अंकल शो चाय देते हुए कहते हैं, सर आपकी चाय। लेकिन वेनियानन वो फोटो देखे हुए आंसू भरी नजरों के साथ उसे कहता है, जब मैं छोटा था तब मुझे पियानो बजाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मेरी माँ मुझे हमेशा पेशेंटली सिखाती थी। वो अक्सर मुझे उन प्राइजेस के बारे में बताती थी जो उसने कंपटीशन में जीते थे और जिन जगह पर वो गई थी। उसने मुझसे कहा था कि उसके 18वें जन्मदिन पर उसे एक पियानो मिला था और उसने उस पियानो को अनगिनत बार प्ले किया था। लेकिन यांचन ने वो अंकल शो को अपनी माँ की फोटो दिखाते हुए कहता है, अंकल शो मेरी माँ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती है ना। अंकल शो वेनियानन की माँ का फोटो देखते हुए कहते हैं, बहुत ज्यादा, मिस्टर वेन की माँ नेचुरली ब्यूटीफुल है। वेनियानन कहता है, मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, मुझे सच में उसकी बहुत याद आ रही है, मैं उसे फिर से गले लगाना चाहता हूँ।